अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो भाई आज है जुम्मे का दिन और मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस नमाज के लिए। जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाएंगे सब लोग, बच्चे भी, मेरे हस्बैंड भी। तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, जल्दी प्रेस कर रही हूँ। तो भाई सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सब लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों के कमेंट्स होते हैं। बस ये है कि ज़रा सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि करते भी हैं तो अनसब्सक्राइब हो जाता है कुछ दिन में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि कोई मुझसे फ्रेंड बनने के लिए कहता है तो मैं भी फ़ौरन फ्रेंड बनती हूँ। तो फ्रेंड बनने से मुराद मतलब कोई मुझे कहता है तो मैं फ़ौरन सब्सक्राइब कर लेती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी कर दिया करें। और जी ये है मेरी हेल्पर कर रही है काम, और मैं बना रही हूँ आलू गोश। आलू गोश के साथ मैंने बैगन का रायता भी बनाया है, जिसकी मैं रेसिपियाँ शेयर कर रही हूँ। बैगन मैंने काट के और इसको शैलो फ्राई कर लिया है, कर रही हूँ। और दही मैंने अच्छी तरह फेंट के, इसमें मैंने नमक डाल दिया था इसको अच्छी तरह फेंटने के बाद। और मैंने इसके अंदर जो मैंने पेस्ट डाला था इसके अंदर, वो है जनाब हरा धनिया, हरी मिर्चें और ज़ीरा और लहसुन। थोड़ा थोड़ा मैंने इसको पेस्ट बना लिया था, ये देखें, थोड़ा सा पेस्ट बना लिया था क्योंकि दही भी कम ही था, ज़्यादा नहीं था। और इसके अंदर फिर मैंने सॉल्ट के साथ ये मिक्स कर लिया था। इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर भी डाला था। अच्छी तरह दही में इसको मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर जो फ्राई करे थे बैगन वो डाल दिए थे। कि मेरी रेसिपी से ये ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं ये बैगन का रायता, बहुत अच्छे लगते हैं। और जी मेरे भाई ने कनाडा से मेरी वीडियो एक भेजी थी तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वहाँ पे बारिश हुई थी, बहुत धुआंधार बारिश हुई थी तेज़, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे। तो प्लीज़ वॉच कीजिएगा, देखिएगा उसको। और इसमें मैंने थोड़ा तड़के के तौर पे मैंने दो साबित गोल मिर्च और ज़ीरे का थोड़ा सा ऑयल डाल के तड़का लगाया था। वैसे मैं दही में इतना पसंद नहीं करती कि ऑयल डालूं। और ये देखें जी आगे देखिए, बहुत हार बारिश हो रही है। बारिश इतनी ज़्यादा तेज थी कि ओले भी पड़ रहे थे। बिल्कुल चारों तरफ जैसे घूम घूम के बारिश होती है ना, इस तरह हो रही थी। देखो कितने ज़बरदस्त ओले पड़ रहे हैं। तो भाई अगर वीडियो आपको पसंद आया करें तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये है भाई के घर के बाहर का मंज़र, और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है बारिश के बाद का। और यहाँ मेरी छोटी सी प्रिटी भतीजी खड़ी है हिबा, माशाल्लाह।